देखो परेशान रात दिन जीना हराम करके रखे हमारा एक दो साल से तकरीबन घुरा रहे लोग हमारे लाखों रुपए लगा के पूरे लाखों करोड़ों रुपए लगा के हम लोग बच्चों की शादी में पैसा कर दिया पैसे दिया हमारा पैसा हमारा इंसाफ करो हमारा इंसाफ करिए भाई हम लोग सोना होना बेच के करके लाके मेहनत करके लेडीज कमा के लाके तीस पैसा है हमारा साफ से रिक्वेस्ट है जो भी है हमारा फैसला करिए भाई हम बहुत गरीब हम गरीब बहुत है घर नहीं बोल के ला ला के पैसा पैसा जोड़ के उनको ला के दे दिए अब आज हमारा आज क्या हाल हो रहा हम तो मर के चले गए दिन रात हम लोग मर जा रहे जुना रहा घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी पेपर भी है उधर गए तो पट्टेदार आने नहीं दे रहे हम जाना क्या रुपए दिए देखो ये महीना 25 तारीख को देते बोले हमने वादा करे सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हुआ सो है पूरा क्या रजिस्ट्रेशन गलत है बिल बताओ बिल छोटे बच्चे मेरे मालूम में आ गए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री हुई वो सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री हुई वो भी करे भाई रजिस्ट्री के साथ ही पूरा मई 2018 में हमारे मरहूम बहन भाई ये जो केएमआर के पास जो मूसा खादरी जो है उनके पास हम अप्रोच हुए थे जो ऑफर के सिलसिले में सबको बुलाए थे 3 लाख का प्लाट 2,60,000 में रजिस्ट्रेशन के साथ हम उनकी बात के भरोसे पे आके हमारे मरहूम बहन भाई साहब पूरी फैमिली के अंदर पूरे 10 से लेके 15 तक के प्लाटा दिलाए एक एक घर के अंदर एक एक बहन के पास एक एक भांजे के पास से पूरे घर वाले मिलके 15 प्लाटा खरीदे लेकिन सबके पास जो हमारे जो हम पैसे पेमेंट करे 2,60,000-3 लाख थे पूरे के पूरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है लेकिन हम ये 6-8 महीने से अब हमारे मरहूम बहन भाई साहब भी इंतकाल कर गए आज हमारी पूरी फैमिली पूरी पैदल है कि इतना परेशान है कि शादियों में लगाने के पैसों को बोल के रखे बच्चों के शादियों को बोल के रखे मैं अपना पैसा रिटायर होके भी मेरा अपना पैसा ये बच्चों के लिए लगा दिया लेकिन आज हमारे को 6 महीने से ये परेशानी से ये सुनने में आ रहा कि भाई इन्होंने ऐसा कब्जा कर लिए फिर वो पट्टेदार ने वो जमीन पे स्पॉट पे आने नहीं दे रहा फिर हमारे पास पट्टेदार के टाइटल डीड के लिंक डॉक्यूमेंट भी मौजूद है बावजूद भी फिर पट्टेदार की और इनकी ये केएमआर साहब की क्या क्या डिस्प्यूट है वो कभी वजाहत नहीं कर रहे लेकिन पब्लिक को ये हौले बना दिया गया कि सबके सब परेशान होकर पुलिस स्टेशनों को फिर रहे आखिर ये पुलिस स्टेशन को जाने का किस्सा ही नहीं होता ये पुलिस स्टेशन पहुंचने का किस्सा ही नहीं होता इसलिए नहीं होता कि ये सिविल नेचर है ये क्योंकि कंप्लेंट नहीं होता लड़ लिए सो नहीं होता मार लिए सो नहीं होता पैसा डुबाए सो नहीं होता चीटिंग का नहीं होता बल्कि यह रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है लिंक डॉक्यूमेंट है अगर कल के दिन ये पुलिस स्टेशन ये लाखों का पैसा खाते पीते क्या करते अल्लाह को मालूम है एफआईआर बताते नाम को उसके बाद इंट्रोगेशन हो जाता फाइनल रिपोर्ट डालता कि भाई ये सिविल नेचर है क्लोज बोल के ये पहले तो एफआईआर इश्यू हो जाता कि हम खुश हो जाते कि भाई ये पुलिस स्टेशन में अपना केस दायर हुआ लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या होता ये सिविल नेचर है बोल के उसको एफआईआर बोल के देते फाइनल रिपोर्ट अगर चार्ज हुआ तो उसको क्या बोलते चार्जशीट बोलते ये चार्जशीट नहीं डालते 3-4 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते एफआईआर क्लोज करो बोल के कोर्ट के अंदर भेज देते वो फाइनल रिपोर्ट को आरसी नंबर दिया जाता इस तरीके से पब्लिक को हौला बनाने को ये 6 महीने भी निकल गए अब पुलिस स्टेशन वाला ये नहीं बोलता कि हम आप लोग आए पब्लिक को देखते माफ को देखते अरे भाई गड़बड़ी ले ले रहे भाई कर दे रहे भाई एफआईआर कर दिया हम खुश हो गए कि भाई एफआईआर आ गया बल्कि ये नहीं होता बस फाइनल रिपोर्ट में सिविल नेचर से क्लोज हो जाता आज नहीं कल अगर आप लोगों के हाथों में कापी अगर है तो सही है वो है तो करने का क्या कुछ काम नहीं आता अब रही बात मेरा बोलने का मतलब क्या है उन्होंने क्या बोलते हैं उन्होंने केएमआर मेरे को रजिस्ट्रेशन करके दिए मैं आपको लिंक डॉक्यूमेंट भी दिया फिर आपकी जमीन पे कौन आया आप जाके देख लो मैं निकालो बल्कि क्या प्रूफ है आपके पास तो पट्टेदार है पट्टेदार से अपन मिले क्या पट्टेदार का केएमआर साहब से क्या ताल्लुक है उनको कहां उन्होंने धोखा दिए
वो चीज को देख के पट्टेदार से अगर बात करें उसका पेट का मसला क्या है तो मालूम हुआ, तो वही से खुद हम क्या करना है, अपने कमेटी बिठाएंगे, अपने बड़े लोगों के पास पहुंचेंगे, अपने कारपोरेटरों के लिए पहुंचेंगे, ये तमाम चीजें उनके घर वाले मरहूमिन के इल्म में लेके आने के बाद उनसे जो हो सकता वो पट्टेदार को उनका इंसाफ दिला दे के हमारा जो है पेपर के जरिए से अपने को कब्जा अगर मिल सकता है, कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं तो देके लेके ये फिर ना करना मीडिया के लिए, ये सब चीजों गरीबों का पैसा, रजिस्टर वालों को कैसा इंसाफ मिलता, पट्टेदार को हम क्या इंसाफ दे सकते, उनके घर वाले क्या देना चाह रहे हैं। अब राय दूसरे औरतों को जितने भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज पे लिए, ये लोगों का पैसा घर वालों के पास रहता, घर वाले क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके नाम पे क्या जायदाद है, कौन सी चीज करे तो उन लोगों को इंसाफ मिलता, ये तमाम चीजों को बाहर पढ़ना बोलने की बात क्या है। इस पार्ट पे गए तो उस पार्ट वाला कौन है ओनर मालूम होता, अपने को आज तक ये नहीं मालूम कि कौन पट्टेदार है, अपने जमीन पे कौन कब्जा करा, अपनी जमीन के ऊपर से फतेह कौन निकाला, ये कोई नहीं बता सकती। अपन हम यही देख रहे हैं ये KMR ये लटकते गए तो भी कानूनी पॉइंट को कौन पकड़ रहे हैं, अपन हम किसके पास जाते, असद भाई के पास जाते, बोलो तफसील बोलो, तो बैरिस्टर है, उनके पास बड़े बड़े लोग बैठे हुए रहते, अगर उनके पास सही तरीके से अपन मटेरियल नहीं लेके जाके अगर बात करेंगे, अरे जा भाई जा मेरे पास काम दिया तो टाइम बहुत है, ये तमाम चीजें रख लेके उसकी फोटो ले लेके देखो ये बंदा है, ये पट्टेदार ये बंदा है, ये बंदे से हमारे इंसाफ होना है, ये घर वाले ये बोल रहे हैं, घर वालों को वहां बुला के पट्टेदार को वहां बुला के पट्टेदार को कितने पैसे बाकी है, क्या बाकी है, ये सबसे पहले खरीदने वालों को तो मालूम होता कि ये काम करा, ये मरहूम ये करके गया, इसलिए अपने को ये इंसाफ नहीं मिल रहा, जब कहीं कुछ बोल सकते मालूम ही नहीं, और अपन बैठ रहे कर ये इंसाफ मिल रहा, एक कोई मोरल सपोर्ट में आए, एक कोई मोरल सपोर्ट में आए खड़े बोल ले रहे, सब यही बोल रहे, अरे इनोबिया उनोबिया, इससे अपने मिलने का क्या है, ऐसे चार मीटिंग होते चले जाते हैं, अब घरों में जाके अपना काम कर ले क्या, नहीं अच्छा करे सो भाई, मालूम होना पॉइंट पकड़ने का कहा है अपन, वो पकड़ के जब लीडर के पास जाना है तो सही आदमी को पकड़ लेके, असद भाई के पास बोलने वाला होना, वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करने वाला होना, ये दो मिनट में भी बात करे तो हम बोलना, आधे घंटे में भी कोई जाके बात करा तो अपना रिप्रेजेंटेशन सही रहना, दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करे सो लोगों का एक मसला, एक जो पैसे लेके जो नहीं करके रखे सो एक मसला, ये दो तरीके के रहे तो, दो तरीके में पट्टेदार के पास बात करें तो अपने जैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 100 निकलते 1000, उसको एक एक दो दो हजार ये तो जमीन ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, नहीं भाई मेरे को दे दो भाई 1-1 लाख दो, मैं कर दे तो आप लोगों को बोले तो हट जाता हूँ, हमारा पत्ते हम लगा लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, डॉक्यूमेंट गलत नहीं है ना, लिंक डॉक्यूमेंट है, अपन EC निकाले उसके अंदर अपना नाम है, अब वो दोनों में कौन से धोखा हुआ, कोर्ट को जाने का है तो कोर्ट को जाएंगे, अगर कोर्ट में वो KMR साहब भी गलत काम करके गए, हमारी कोर्ट में अगर एक एक वकील को पालना है तो 1-1 20-20 हजार बोले तो अरे वकील दे रहा, अरे भाई इंसाफ दिला रहा हूँ, देते ही जाती है, पर इधर कहीं को डूबना, अपन ये डूबने से पहले हमारे मरहूम क्या करके गए पट्टेदार के साथ, पट्टेदार के साथ क्या अग्रीमेंट है, वो दोनों में किस तरीके का अग्रीमेंट कर लिए, उन्होंने उसको क्यों फुलफिल नहीं करिए, हमारे साथ क्या धोखा हुआ, जब देखता ये चीज है। मेहनत लगन निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें, जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरीद बनाए, हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है जो आपके दिलों को भाए, इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले, कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे, हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस, जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए, इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए, वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रेवल्स, हैदराबाद।